नमस्कार दोस्तों, राइजिंग इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप आगे देख सकते हो कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और कह रहा है कि जिस मुल्क के पास जहर खाने तक के भी पैसे ना हो, उस मुल्क का प्रधानमंत्री दूसरे देशों का दौरा कर रहा है और वहाँ पर मौज मस्ती फरमा रहा है, वो भी गवर्नमेंट के पैसों से। जहाँ पर फिजा खान और हारू रशीद का ये कहना है कि जिस उम्मीद के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री टर्की पहुंचे हैं, उनकी उम्मीद कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि टर्की अब वो वाला टर्की नहीं रहा जो दूसरे देशों को मदद करता है। टर्की में आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस है और उनका पैसा डॉलर के मुकाबले दिन ब दिन कम होते जा रहा है। टर्की की मईशत भी दिन ब दिन गिरते जा रही है और टर्की का इम्पोर्ट अब बहुत ही बढ़ गया है। और जहाँ पर टर्की दूसरे देशों के ऊपर निर्भर कर रहा है कि कोई देश आकर उनकी मदद करे, जबकि वो अपनी मईशत बचा सके और उन्हें सुधार सके, तो क्या एक भिखारी देश दूसरे भिखारी देश के सामने बाहें फैलाकर पैसे मांग रहा है? वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपकी राय देना बिल्कुल भी ना भूले कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। वजीर कहता है कि हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं, जबकि हुकूमत के सारे वजीर बाहर बैठे हैं। वजीर आजम 40 रोज के दौरान अपने छठे गैर मुल्की दौरे पर रवाना हुए। ये अवाम का पैसा ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे इनके बाप का माल हो। अवाम का पैसा बेदर्दी से उड़ाया जा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ फवाद चौधरी की बात से 100% इतफाक करूँगी, 100%। ये हुक्मरान जो अवाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, लेकिन अपने शौक सरकारी खजाने से भरपूर अंदाज में पूरे किए जा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ मुसलसल गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, लेकिन इन दौरों का क्या कोई फ़ायदा अब तक सामने आया है? बिल्कुल नहीं आया। लेकिन इनके मुसलसल गैर मुल्की दौरों से कौमी खजाने को नुकसान पर नुकसान ज़रूर हो रहा है। और मुस्लिम लीग नून का तो वतीरा रहा है, ये पहले भी गैर ज़रूरी इश्तहारात पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुकी है और अपने मनपसंद अखबारात को इश्तहारात से नवाजते हैं और अब भी यही काम कर रहे हैं। आप देखिए ज़रा, शहबाज शरीफ साहब डिंडोरा पीटते हुए तुर्की के दौरे पर चले गए। अच्छा चले चले गए, अपने मनपसंद अखबारात में दौरा है तुर्की के, लंबे लंबे इश्तहारात क्यों छपवाए गए? क्या ज़रूरत थी? अब समझ में आया कि मरियम के जो ऑडियो कॉल्स के जरिए मीडिया मैनेजमेंट का मकसद क्या है और किस तरह ये लोग अपने मन पसंद अखबारात में इश्तहारात की बंदर बांट करते हैं। ये तुर्की का दौरा हो रहा है और इसमें इतने इतने बड़े इश्तहारात दिए जा रहे हैं जैसे वो क्या कहूँ, जैसे कोई फिल्म की पब्लिसिटी की जा रही है। फिल्म की पब्लिसिटी किस तरह इश्तहारात दिए जाते हैं, यानी अवाम के पैसे को बिला वजह ज़ाया किया जा रहा है। वैसे जहर खाने के पैसे नहीं, इश्तहारात के लिए पैसे हैं। अब एक तरफ ये लोग कहते हैं कि इनके पास पैसे हैं ही नहीं, लेकिन इन कामों के लिए इनके पास बहुत पैसे हैं। और शहबाज शरीफ साहब, आपके दौरा तुर्की की खबर चैनल्स में चल गई, फिर इस पर टिकर्स भी चल गए, लेकिन इसके बावजूद ये जो इश्तहारात पर अवाम का पैसा ज़ाया किया, ये मंतक समझ में नहीं आ रही। अच्छा, फवाद चौधरी के बकौल, क्या वाकई आप इसको अपना ज़ाती पैसा समझते हैं? इस इश्तहार का फ़ायदा क्या हुआ? क्या शहबाज शरीफ को तुर्की में 21 तोपों की सलामी मिल गई? और इश्तहार का लॉजिक उस सूरत में समझ आता अगर शहबाज शरीफ तुर्की से कोई कर्ज ले आते, वो फ्री की कोई गंदम चावल लेकर आते या फ्री की बिजली लेकर आते, तो फिर इन इश्तहारात की तुक समझ में आती। लेकिन ये एक दौरा है जिस पर सरकारी खर्च हुआ और कौम पर इस दौरे का भी बोझ पड़ा। इसके अलावा इन गैर ज़रूरी इश्तहारात की मद में आवाम के बेबना पैसे को आग लगाई गई, इसका नुकसान किया गया। अब ये दुनिया के किस मुल्क में होता है कि ख़ास तौर पे जहाँ पे मतलब मईशत, आप बताते हैं कि मईशत हमारी इतनी कमज़ोर है, किस मतलब कौन सी जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे मईशत के मारे खासे में मुल्क हो, वहाँ पे ऐसा हो रहा हो कि आप किसी मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं और आप इश्तहारा छपवा रहे हैं कि जी मैं तुर्की दौरे पर जा रहा हूँ? मतलब कौन सा ऐसा तीर मार लिया आपने, इश्तहारा छपवाने की नौबत आ गई कि आपके अपने वोटर्स भी आपसे सवाल नहीं पूछेंगे कि मुल्क को इस वक्त पाई पाई की ज़रूरत है? लेकिन मियाँ साहब, आप अपनी शाह खर्चियों से बाज नहीं आ रहे हैं कि आपके वोटर्स भी आपसे सवाल नहीं पूछ सकते? हाँ, अगर आपकी कोई अचीवमेंट होती फिर इश्तहारात देने की कोई लॉजिक भी समझ आती कि भाई ये चीज़ अचीव की है तो इश्तहार बनता है। दुनिया के कई ममालिक के सदूर वज़रा आज़म गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो क्या वो सरकारी खजाने से पैसे निकाल कर अपने दौरे की एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देते हैं? ये क्या बात हुई? अखबारात को इश्तहारात देने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कौमी खजाने से फंड जारी किए गए। क्या शहबाज शरीफ साहब, आपने ऐसा करके अपने पसंदीदा अखबारात को नवाजने का कोई नया तरीका ढूंढ निकाला है?
भाई इश्तियार तो कोई काम का दो ना जो समझ में भी आए। अगर आप अपने दौरा तुर्की का ऐड अखबार में नहीं भी देते तो तब भी मेरे ख्याल से कौम को यकीन था, यकीन जानिए कि आप ही थे जो तुर्की के दौरे पे जा रहे थे, आप ही जा रहे थे। लेकिन शायद आपको यकीन नहीं था कि पता नहीं आप ही जा रहे थे वहाँ पे, लेकिन शायद आपको इस दौरे की शायद खुशी शायद इतनी ज़्यादा थी, एक्साइटमेंट इतनी। आप एक तरफ बिजली के रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, पेट्रोल सीधा सीधा 30 रुपये इकट्ठे बढ़ा दिया गया और मज़ीद कीमतें बढ़ाने के लिए भी पर तोल रहे हैं, ये भी ज़रा सुन लें। और ख़बरें चल रही हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी की कीमत बढ़ाई जा रही है, और जब आपसे कीमतें बढ़ाने पर सवाल पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि जी खजाना खाली है, IMF की शराइत मानना ज़रूरी है। अच्छा, मैं शबाशिव साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या दौरा तुर्की के जो ऐड देने का मामला है, ये दौरा तुर्की के ऐड देने का भी आपको शायद IMF ने कहा होगा? मेरे ख्याल से आपको सिर्फ अपना चलन बदलने की ज़रूरत है और थोड़ा रहम करें। आप लोगों को अगर लगता है ना कि वाकई ख़जाना खाली है तो फिर रहम करें उस ख़जाने पर, अवाम पर रहम करें, अवाम के पैसे पर रहम करें, वरना ऐसे नहीं चलेगा। तुर्की में कारोबार है, अमारात में कारोबार है, लंदन में कारोबार है शरीफ खानदान के। अब ये जनरली इट इज़ बिलीव्ड, उसके तुर्क कंपनियों को ठेके क्यों देते हैं, चीनी कंपनी को? देखिए तुर्क कंपनियाँ जो है, देखिए तुर्की हुकूमत अलग है, तुर्क कंपनी अलग है, तो कारोबारी कंपनी है ना। सही। चीनी हुकूमत अलग है, चीनी कारोबारी कंपनी अलग है, दुनिया में बदतरीन समझी जाती है उनमें से बाज कंपनियां, सारी तो नहीं बुरी होती ना, ना कोई कौम सारी अच्छी होती है ना बुरी होती, बुरी होती है। एक उनके अंदर इनको पिछले 20-25 साल से कहते हैं इकोनॉमिक एनिमल है, माशी हैवान है, बाज कंपनियां ऐसी। हम चीन गए हैं ना जी, सब $50 की जो चीज़ वो बेच रहे होते हैं वो आपको $3 में दे देते हैं, जो आदमी नहीं समझता वो दे। मगर अच्छे भी देखे हमने, ऐसे होटल भी देखे, ऐसी किताबों की दुकानें भी देखी जहाँ। तुर्क कंपनियां भी कोई अच्छी कंपनियां नहीं है। अच्छा। ब्लैकमेलिंग करती हैं, नाजायज फायदे उठाती, वो कूड़े का ठेका, क्या बकवास है जी, क्या आप अपना कूड़ा नहीं उठा सकते? जब से इंसान इस दुनिया में आया है वो तमाम हर गांव में, हर शहर में, तमाम दुनिया में, वो स्पेन में था बड़ा सफाई का इंतजाम, रोशनी का, रवा पानी का, उसका ठेका देने की क्या बात है? एक पूरे बड़े शहर में, नाम मैं नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, एक बड़े शहर में, 5 बड़े शहरों में से एक शहर में एक फौजी अफसर ने ये कहा कि भई ये कूड़ा पड़ा हुआ है उठाने का, ठेका दिया और एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा। उसने कहा 20 लाख रुपए उधार दे दें, जो उसने वापस किया। फिर कहा अगले साल 40 लाख रुपए दे दें, वो जो मोटरसाइकिल के पीछे कैरेज लगा होता है वो खरीदने के लिए। उसने उससे पूछा कितना पैसे कमाते हो महीने के, उसने बताया इट वाज अ ह्यूज अमाउंट, घरों से कूड़ा उठा के ले जाते हैं। उसमें जो फौजी इलाके थे, ये जहाँ यानी जो था, ओ भाई मैंने खुद ये तजर्बा किया है, यानी मैं तन्हा तो नहीं था, कुछ लोग थे जगह मैं रहता था। अच्छा। घरों से कूड़ा उठा 50 रुपये महीना। अब मैंने पूछा है एक लाहौर के इलाके से, उनका 250 रुपये महीना, तो 20 साल पहले 50 रुपये तो, अब 250 रुपये बराबर है, बल्कि कम हो गए, कम हो गए तकरीबन, कम कह सकते हैं। कूड़ा उठाना भी कोई काम है, अगर इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए हो, वो मशीनरी के इस्तेमाल की तो कितनी होगी, 5-7 दिन की, 10 दिन की। हाँ, इसके ऊपर वैसे हारून साहब अफसोस का मकाम है कि अपना कूड़ा, ये भी अफसोस का मकाम है। ये सब कुछ बुज़दार साहब के जमाने में भी होता रहा, मगर उन्होंने कैंसिल कर दिया, उन्होंने बुज़दार साहब ने भी काम करने नहीं दिया और उनके वज़रा ने इसमें पैसे बनाने की कोशिश की, मेरा खल बनाए भी। अच्छा ठीक है, चलिए तुर्की की आपने बात की, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। हारून साहब बहुत बड़ा वफद है, मैंने पहले भी कहा था 50 से 60 के करीब कह रहे हैं लोग हैं जो शहबाशिव साहब के, मरियम साहब कहती है ना कि वो डैमेज रिपेयर करने के लिए गए हैं, अब क्या आदमी करे, यानी इस बेदरेख के तरीके से 50,000 रुपये चीनी कंपनी को दे दिए, जहर खाने के पैसे नहीं है, 50,000 रुपये दे दिए। ओ भाई 50,000 रुपये दे दिए, उसका हिसाब देखो। मैं आपको, मुझे इस मुल्क के अहम तरीन आदमी ने कहा, चूंकि इजाजत नहीं ली उनसे, मैं बता नहीं बता सकता। ठीक। शाहराए रेशम की मुरम्मत के लिए चीनी कंपनियों ने जो टेंडर दिए, वो जो उस पर अखराजात होने चाहिए थे मुनाफे समेत, उससे 6 गुना ज्यादा थे, 6 गुना, 600%। वैसे पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैंने पिछले दिनों उसका जायजा लिया, बहुत से लोगों से बात किया, 400%। सराजुल हक साहब का वाक्य तो आपको बताया था,
वो ठेकेदार ने कहा इतने पैसों में सड़क बनेगी और उसके फिर 33-34% पे बना दी थी। लेकिन चार गुना, जाहिर है इंडिविजुअल करप्शन करते हो तो लीडरशिप तो नहीं करती। 17% मैंने लोगों से पूछा है जो ये काम करते।